अच्छा गुड्डू साहब का एक और बहुत बड़ा ख्वाब है जिंदगी में, हाँ, जो आप ही पूरा कर सकते हैं। क्या क्या? नहीं सुन ले, अरे नहीं भाई सुन ले, मतलब मैं कहाँ फंस गया, वाकई सही कह रहे हैं, LHS में एल में ही था, ये HS दोनों खुद ही बन गए। अस्सलामुअलैकुम पार्क विलेज, मेरा नाम है सुनील मंज और हम आप लोगों के लिए एक व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग लेके आए हैं। और ये ट्रैवल व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये एक व्लॉगर की शादी का ट्रैवल व्लॉग है। राणा हमजा सैफ हमारा छोटा भाई है, RHS उसकी शादी है। वो हम बचपन में पढ़ते थे ना, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राणा हमजा सैफ इज RHS हो गई, उसको मिला के LHS बन गया। एल और HS भी साथ जा रहे हो, H और S, एल कौन है? ये एल है, ये एच है और ये एस है, ठीक है, डन हो गया जी, LHS हो गया। तो खैर हमारे चेस की शादी में एल हाशमी और सुनील लोग है ना, ओए होए होए, ये तो पूरा हो गया। एल एल, अच्छा अरे एल नहीं, हां एल एल हाशमी सुनील और ये लाला गुड्डू, ये लाहौर से पावा, ये हमारे पाक विज का पावा है। तो चार लोग हो गए जी, हम निकल के जा रहे हैं और हम जा रहे हैं फैसलाबाद। तो हम गप्पे शप्पे लगाते जा रहे हैं, तो हमने कहा चलो शोगल वोगल भी रिकॉर्ड ही हो जाए साथ, तो शायद कोई अनसेंसर्ड बातें हो, तो जाते भी पैसा बन जाए ना। हाँ मतलब पैसा बनता रहे, तब तक डॉलर गिरते रहे। देखिए भाई खर्चा बहुत बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स पेट्रोल महंगा हो गया है, और हमजा हमें पैसे भी नहीं दे रहा शादी में अपीयरेंस के यार। इसलिए हमने फैसला ये किया कि हम शादी पे जाने की, वो जो क्या रस्म होती, क्या कहते हैं उसको, सलामी लिफाफा रख, मैं सलामी उसको नहीं देता, अजीब सी कॉन्सेप्ट है वैसे। सुनिए क्या देते हैं फिर आप? मैं सिर्फ अपनी पेरेंट्स देता हूं भाई, देखो पेरेंट्स के पैसे होते हैं, इसके पैसे मैं फ्री में दे रहा हूं, इसके पैसे। और आप जा भी तो रहे हो भाई, इंसान टाइम निकाल के आपकी शादी पे आए, फिर आपको सलामी क्यों दे। तो खैर बात ये है कि गुड्डू साहब सलामी देते हैं, अब हमने इसकी रीजन निकालनी है। मतलब देखिए ये पैकेजिंग महंगी, सर कॉस्मेटिक बेचते हैं, आपने ट्यूबें खरीदी महंगी महंगी, उसके अंदर पानी डाला, थोड़ा सा कुछ मिक्स कर दिया और औरतों को बेवकूफ बना दिया। देखिए दुनिया का हर इंसान, मुझे मेरी जैसी शक्ल इंसान को लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ। इंसान अपने आप को जब शीशे में देखता है तो वो नॉर्मल लोग जब उसको देखते हैं ना, उसको अपना आप 5 times ज्यादा बेहतर नजर आ रहा होता है। बेशक गुड्डू भाई आप क्या सब सितारा देखते हैं शीशे में, क्या देखते हैं? हम शीशा नहीं देखते, जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। वाह वाह वाह, ये ट्रक के ऊपर से पड़ा है इसमें ना, जब भी उठाया करो पहले चित्र लगाया करो, ये किस किस्म का शेर आया करो। खैर भाई जान हमारा भी ऐसा कारोबार हो कि हम पानी भरें और भेज दें पेट्रोल की प्राइस पे, तो हम भी सलामियां देंगे। हमारा नहीं सर, एक ट्यूब है उसमें कितने का पेट्रोल लग जाएगा आपके ख्याल से? कितने का सर्फ डाल? ट्यूब किस चीज की है? रंग गोरा करने वाली ट्यूबें बेचते हैं औरतों की। ओके गुड्डू भाई किस नाम से उनको लेते हैं? धर्माशाइन के नाम से। धर्माशाइन यार इसके पैसे इनसे लेदा लेने, धर्माशाइन की इंटीग्रेशन हो गई। कार्ड कार्ड बड़ा कार्ड ट्रीट कर रहा है, ये काटेंगे जिस तरह हंसना मना में पार्क व्हील्स ट्रीट हो रहा था यार, वो तो मैंने कमाल ही किया था हंसना मना में। सुनील भाई आप बताएं, हाँ जी मैं पी फलाना पी, अरे मैं बोला तब भी पी हो रहा है, आप बोलो तब भी पी हो रहा है। मैंने कहा हाँ यार, मसला ये है कि टीवी का है, किसी भी चैनल पे जाओगे ऐसा होगा, because they charge so much for the नहीं, उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन जो लिखी वो सिर्फ एक चपेट से नीचे थी, यूट्यूबर अभी रह गया था टिकटॉकर ही लिखा, मैंने खुदकुशी कर ली जब मैंने देखा, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर मैंने भेजा, मैंने कहा यार ये क्या लिखा है, कार एंथुसियास्ट कह रहा हूँ शो में हो रही है कि सुन भाई आपने एक्सपर्ट लिख दो, नहीं हो चलो लिख दो अगले को खुश कर लो, लेकिन मतलब कमाल। अच्छा गुड्डू साहब का एक और बहुत बड़ा ख्वाब है जिंदगी में, जो आप ही पूरा कर सकते हैं। क्या क्या? गुड्डू साहब वीजा लगवाना चाहते हैं फॉरेन मुल्क का। भाई जानी अभी लेटेस्ट कहाँ हो, कहीं से ये पूछे कहाँ हो के? नाइजीरिया। नहीं एक गलत बात मत करो, नाम बताओ, नाम बताओ। नाइजीरिया जिस तरह पहले लोग थाईलैंड से परेशान होते ना, अभी भाई बाकू हो के हैं। मैं खुद वहां पे गया, मैंने किसी को बताया नहीं और मैं अपनी बेगम लेकर गया था, फिर ठीक है। बाकू में कुछ नहीं है भाई, ये बाकू बहुत ओवररेटेड जगह है। सुनील भाई मोटर पे आ गए ना, माशाल्लाह आप मोटर पे 70 की स्पीड पे चला रहे हैं। 70 मील है भाईजन, मैं स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जाता। सॉरी मैं स्पीड लिमिट से तो फिर 80 करो ना, अब 120 पे 80 में 120 बनेगा ना। नहीं नहीं भाई क्या हो गया, 1.66 होता है यार वैसे भी, वी लॉग बन रहा है भाईजन। अच्छा वी लॉग से पहले क्या होता है जी? सुनील साहब मैं खुदा की कसम इन आंखों से 180 में चलाते देखा मुझे, अल्लाह की कसम। झूठ बोल रहा है? नहीं झूठ बोल रहा है। एक चीज जो वी लॉग के थ्रू मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ आम आवाम को सर, कि हमारा जो अपना पाकिस्तान का मोटरवे है ना सर, इट कैन बी कम्पेयर्ड विद एनी हाईवे इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, अमेरिका पैन अमेरिकन हाईवे एक्सप्रेस 401 जो कनाडा में भी चलती है, पूरी अमेरिका में भी जाती है, दुनिया की शायद दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी हाईवे, ठीक है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं मोटरवे से। सही है, क्वालिटी वाइज, क्योंकि क्वालिटी ऑफ रोड, क्वालिटी ऑफ रोड सर्विसेज हमारे यहाँ पे सर्विसेज मैं अभी सर्विसेज हमारे यहाँ भी अच्छी है भाई। मैं एक बार ना इस्लामाबाद से लाहौर कर रहा था, तो हमने जिमनी हमारे कजन ने ना इतनी चेक कर ली मेरे निकलने से पहले कि वो ऑयल खोल के चेक किया तो ऑयल का ढक्कन ढीला ही छोड़ दिया, ठीक है। जब मैं लाहौर टोल प्लाजा
जैसे टोल प्लाजा पे पैसे दे के निकला ना, धुआं निकला बोनट से, उसी ने बताया टोल वाले ने। मैंने कहा ये क्या हो गया, साइड रोकी देखा तो वो इंजन ऑयल का ढक्कन गायब था और वो धुआं निकल रहा था, वो बल रहा था, वो बस उसी नंबर लिखा हुआ था, ये वर्कशॉप का मैंने मिलाया यार 5-6 मिनट में आ गए वो, ठीक है। उन्होंने आए, उन्होंने ऑयल चेंज किया, उन्होंने कहा ढक्कन नीचे ही पड़ा हुआ है केबिन में, उन्होंने निकाला ढक्कन लगाया, सिर्फ ऑयल के पैसे लिए, टिप भी नहीं ली। तो मैं बहुत इंप्रेसिव था ये, बहुत अच्छी बात, क्योंकि 6-7 मिनट में भाई अमेरिका में भी नहीं आती। हाँ नहीं, यहाँ पे टाइम रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा जो पर्सनल रिस्पॉन्स मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि फैसिलिटीज जो है ना, मतलब याशी वाली फैसिलिटीज पे बहुत ज्यादा जोर है। जो बेसिक फैसिलिटीज, मतलब आपको वर्कशॉप अगर दिखाऊं ना तो आप देख के आपको उल्टी आ जाएगी। मोबाइल वर्कशॉप बहुत अच्छी है। नहीं वैसे, और दूसरी चीज बताऊं, अरे मोटरवे की ट्रैफिक जो बढ़ गई है, उसकी रीजन ये है कि लाहौर इस्लामाबाद फ्लाइट नहीं रहती है। हाँ, और नहीं जानी भी नहीं चाहिए। आप देखे ना 45 मिनट की फ्लाइट है, उससे घंटा पहले जाओगे, घंटा ख्वार होगे, इतना पोल्यूशन हो जाएगा, 50,000 गाड़ियां पहुंच जाए इतने में। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता गुड्डू भाई इमरजेंसी हो गई ना, तो आप जैसा अमीर आदमी चार्टर कर सकते हैं। सर हमारा भी पानी में ट्यूबे बिकती है, हम भी चार्टर करते हैं। और क्या, तो हम सुबह से उठ के गाड़ी धोते हैं। इनसे पूछे जिंदगी में कभी गाड़ी धोई है? एक मिनट नवाब है, धोई है कभी गाड़ी? धोई? मैंने तो जिंदगी में नहीं धोई। ये ले, ये होता है नवाब, ये होता है नवाब। देखे ये ऐसा लेवल है, भाई ने अपना अपना मुंह धो लिया, ये अब खुद से ये बड़ी बात है। सर वो इनका एक मोटो है, शेरों के मुंह गंदे होते हैं, मैंने आपको बताया था प्रोग्राम में। वाह वाह, वो नहीं धोते 2020 मॉडल से आगे क्यों? 1900 सर देखे, मनी स्पीक्स, मनी टॉक्स, मनी टॉक्स, मेहरान लेते हैं सर। अच्छा ये तो मुझे सुना सकता है, उसको नहीं सुनाता, उसकी दोनों गाड़ियां 2021 के पास की, 22 की। अमीर आदमी है वो भी, मतलब मैं कहां फंस गया, वाकई सही कह रहे हैं, LHS में एल में ही था, में ही था, ये HS दोनों खुद ही बन गए, शुएब एंड हाशमी एंड एल, LHS, ठीक है जी, सही, LHS गोइंग टू RHS, सही सर, मैं बिल्कुल था। लेकिन बात ही अच्छा, मैं आपसे बाकी और सवाल पूछना चाहता था, ये बताएं कि आपकी जिंदगी की पहली गाड़ी कौन सी थी? सुनील भाई, मेरी अपनी पहली गाड़ी जो मैंने अपने पैसों से ली थी, वो थी विट्स, 2006 का मॉडल था, 2008 में लिया था, और वो मैंने ली थी 5,20,000 की, माशाल्लाह, जिसमें मैंने उस CNG किट लगवाई थी, ठीक है, लैंडी रेंजो इटालियन किट थी, वो लगवाई थी। उसके बाद वो मैंने 2 साल चलाई और मैंने बेची 7,20,000 की, ठीक है। पहली गाड़ी चलाई कौन सी थी, क्योंकि आप चलाते भी मेरे ख्याल 12-13 साल की उम्र, बड़ा एक्सपीरियंस। अरे नहीं, ये बताना नहीं चाहता, आपने प्रोग्राम में बताया, ये फखर की बात नहीं है, मैं 8 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे अब्बा ने 92 के दिसंबर में मुझे ग्राउंड में गाड़ी चलाना सिखाई, मैंने अपनी बहनों को भी खुद सिखाई, लेकिन ये फखर की बात नहीं। उनसे किसी ने पूछा, उनका मेरा बेटा मेरी मर्जी, मतलब सरोज भाई ने भी कहा ना, बिल्कुल आपने बताया था, तो इस तरह ही मेरा बेटा मेरी मर्जी। हमारे मोहल्ले में एक SSP साहब रहते थे, तो वो बेचारे मुझसे बहुत प्यार करते थे, बच्चे थे ना हम सब, तो हमारे मोहल्ले के अंकल थे वो, तो कुछ लोग एतराज करते थे, इतना छोटा बच्चा है, ये है वो है वो है, तो कहते थे आप सही है, आप एतराज करते हो ठीक है, मेरा एक सिपाही साथ चला करेगा गाड़ी के, ठीक है। अब मोहल्ले में गाड़ी चलाता था मैं, ये सब बेवकूफियां थी उस जमाने की, अब होगा तो स्कैंडल, प्रोटोकॉल के साथ, हाँ सफाई साथ पैदल चल रहे, हाँ ये गलत है। मैं अपने बच्चों को हो सकता है ग्राउंड में गाड़ी चलाना सिखा दूं, रोड पे नहीं दूंगा, ठीक है, ठीक है, टिल द लीगल एज, ठीक है। लेकिन लीगल एज में कम करवाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में 16 साल की उम्र सही है, ये होनी चाहिए। फिर मैंने ना अब्बा ने जो मेरे अब्बा थे सुजुकी में, पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड, तो हमारे पास जो थी वो मैंने वो गाड़ियां चलाई हुई सुजुकी की, जो यहाँ आई नहीं, लेकिन वो वाली मैनुअल होती थी इंडिया में, स्टीम ही कहते थे मैनुअल। फिर मैंने चलाई फ्यूचरा, ठीक है, फ्यूचरा का जो समझ लो नेक्स्ट लेवल बना है वो APV बना है, ठीक है, वो फ्यूचर आई नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर एक विटारा की भी, फिर मैंने विटारा 7 डोर 5 डोर्स जो भी है वो चलाई है मैंने। मैंने सुजुकी की सारी गाड़ियां चलाई हैं जो यहाँ नहीं भी आई होंगी, पोटोहार चलाई है, जिमनी चलाई है, पोटोहार के दोनों मॉडल चलाए, बोलाने चलाई है, AC वाली पहली बोलान पाकिस्तान की मैंने चलाई थी। वाह अच्छा, एक अयाशी जरूर थी कि अब्बा जब मैं ग्रेजुएशन किया ना, तो अब्बा ने बोला भाई मेहरान मिलेगी तू, तो वो मेहरान अयाशी क्या थी, जाके बनवा लो। अच्छा, मेड टू ऑर्डर मेहरान थी, तो कंपनी बनवा लो। हाँ, इनके वाले साहब थे ना वहाँ पे, पेंट की कोटिंग, रस्ट कोटिंग, सीटें अलग, कल्टस की स्टेरिंग, ये वो AC बड़ा सब बनवा के लड़का डिशम डिशम निकला था। वो निकला जब मोहल्ले में पहुंचा ना, सब वो कलर करवाया उस पे जो बलिनों में आ रहा था और खैबर में आ रहा था, मेहरान में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो जब मैं वो निकला ना, तो थैली वैली चढ़ी हुई थी, नंबर प्लेट रजिस्टर्ड अप्लाइड फॉर, तो लोग कह रहे नई गाड़ी पेंट करा ली। मैंने कहा नहीं भाई, तो ओरिजिनल नहीं, आया ही नहीं, बेवकूफ मत बना, कलर नहीं आया। तो वो पाकिस्तान की पहली उस कलर की गाड़ी थी। उसके बाद मेहरान उस कलर में आने लगी, ग्रे कलर में, जो अभी मेरी उसका ना सही है तकरीबन वो, और वो बहुत अच्छी गाड़ी थी। फिर अपने पैसों के लिए
फिर विट्स ली, विट्स के बाद अगली कौन सी ली? बहुत बेवकूफ़ी का डिसीजन लिया मैंने, विट्स बेची, इतनी खूबसूरत मेरी फुली लोडेड गाड़ी थी विट्स, वो जब बेची ना तो मैंने कहा डिग्गी वाली चाहिए, तो क्या लिया होगा? विट्स बेच के डिग्गी वाली गाड़ी, लोकल ली है कि जापानी ली है? लोकल, लोकल ली थी, लियाना, मैं कहने लगा था कि सुजुकी लेवर लियाना ली होगी, लियाना ली, 1.3 1.5 1.3 अच्छा, वो 1.5 तो जापानीज आती है ना, 1.3 ली सुनील भाई, गाड़ी बुरी नहीं थी अच्छा, लेकिन वो पेट्रोल पे बहुत ही चलती थी, ठीक है, उसके अंदर कोई कमी वमी नहीं थी, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी वो, सही है, लेकिन बस वो लोगों ने बड़ी गालियां दी यार, उसको ना हर बार एक्सप्लेन करना पड़ता था मैंने लियाना क्यों लिया। अच्छा भाई ये देख लो, ये जो पूरा पैच है मेरे भाई, दुनिया के बहुत कम मुल्कों में ये पैच मौजूद होते हैं, दिस इज अ रनवे फॉर फाइटर जेट्स, यस, ये हमारे हमसायों को दिखाने के लिए था, हां देख लो भाई, ओए आओ, बहुत कम मुल्कों में होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे, और इस पे हमने बकायदा जहाज उतरते हुए और देखते हुए देखे भी, हमारे एयर चीफ ने उतारा इधर जहाज यार, ऐसा ऐसा है ये चीज, मैं क्या क्या ये बाद में देने के, आपको पहले हमने दिया था ना, आपने मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे ड्राइवर चेक करें, बहुत अच्छा बेटा, इसमें टायर क्लीनर है, हां नया आया है, नया आया है, है नया आया, बस ये हमारा ड्राइवर पीछे पड़ा हुआ है सर, टायर क्लीनर नहीं है सर, ये देखें ये वाइट वाला जो है, वाह ग्लास क्लीनर, इंटीरियर प्रोटेक्टिंग ड्रेसिंग, ये तो व्हाइट वाला जो व्हाइट है, ये इंटीरियर ड्रेसिंग भी है, मैं इंटीरियर से ज्यादा इसको टायर पे लगाता हूं, कमाल टायर चमक दे रही है, ऑल पर्पस क्लीनर, वो इंटीरियर सफाई के लिए, वाटरलेस कार वॉश, ये तो मुझे पता, ये तो मैंने देखा था प्रोडक्ट, ये शैम्पू है और ये शैम्पू है, सही आज तो आज, और ये कपड़ा भी दे दिया आपने, माइक्रो फाइबर, वाह वाह, ऐसी होगी, अच्छा बड़े तेज ने, मैंने नहीं देंदे, मैं मजाक करता हूँ, हर महीने ना पार्क बिल ऑटो पार्ट्स का एक बिल आता है मेरे पास, और फिर मैसेज आता है व्हेन कैन वी टेक द पेमेंट, 10 मिनट बाद दोबारा आता है, मैं कहता हूँ भाई मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ, वेट कर लो कि नहीं भागूंगा, नहीं सर फाइनेंस इज आस्किंग, आज मैं मुझे छोटी करके आया हूँ, देख लो ना आप साइज, ये मैंने देखा है, ये जरा कोई नया लुक, मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ जरा कम करके ना, थोड़ा यंगस्टर लगूं, वैसे मेरे बालों पे इनको बड़ा एतराज रहता है अक्सर, सुनील भाई आप जिम आ जाओ, आप शेप्स आ जाओ, आपकी मेंबरशिप है ना उधर, आप आ जाओ, मैं आपको ट्रेनर दे रहा हूँ, आप हम दोनों भाई करेंगे, सर मैंने बाखुदा बता रहा था तबीला हूँ, पल्ले से पैसे भर के इसको एक महीने के लिए बुलाया था, एक दिन आया, शेप्स ने मुझे कहा कि मैं ना पहले मैंने कहा देखो मेरा जिंदगी में उसूल है, मैं पैसे नहीं दे सकता, पैसे मैं पैसे दूंगा, इसलिए दिए, मैं एक दिन आया, अच्छा वो ट्रेनर भी ओवर फ्रैंक हो रहा है सर, बड़ा मुश्किल काम है, नहीं नहीं आप रेगुलर जाओ सुनील भाई, मजा आएगा, नशा लग जाएगा, और अच्छा सुनील भाई वो व्लॉग बन रहे ना ये, हाँ। सुनील भाई वो आदमी है जिन्होंने मुझे खुद शेप्स और डिस्काउंट दिलाया हुआ है, हाँ, नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं नहीं जा सकता, ये आप और गुड्डू साहब टाइप लोग जिनके पास 2021 मॉडल की गाड़ी है ना, 22, एक्सक्यूज मी 22, तो ये 22 वाले जो लोग हैं ना ये उनके लिए, हम जो 1996 में फंसे हुए ना, गानों में भी, मोहब्बत में भी, गाड़ी में भी, हमारे लिए ये नहीं है भाई, हम मजदूर लोग हैं, बताइए जब तक बंदा उठ के गाड़ी ना, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आज सुबह उठ के ना जब मैं नींद नहीं आती दोबारा फजर के बाद, मैंने कहा यार दफा करो गाड़ियां धोते हैं, आपको रोड ट्रैफिक के अंदर कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इरिटेट करती हैं? हाय सुनील भाई मैं तो, मैं अभी आपने क्या गम छेड़ दिया, मैं कनाडा जाने का वन ऑफ द रीजंस बिगेस्ट कह सकते ये था ट्रैफिक, कि एक आदमी जो था ना, मैं मुझे लगता था कि यार मैं असला इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं शायद किसी को रोड पे मार दूंगा, इस चक्कर में कि ये जो रास्ता नहीं देते लोग, इंडिकेटर दे रहा हूँ मैं भाई, मुझे यहाँ जाना है, मेरी मजबूरी है मुझे यहाँ जाना है, तो अगला बंदा मेरे से रेस लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि मेरा ना कद्दू देता हूँ तुझे जगह में, हैंड जेस्चर काट देना, रोड रेज, रोड रेज, दूसरा ये लेफ्ट का इंडिकेटर दू ना, लाहौर में सबसे ज्यादा होता है, तो लेफ्ट का इंडिकेटर दू तो लोगों को लगता है मैं लोगों को बुला रहा हूँ लेफ्ट साइड पे सब यहाँ से आ जाते हैं, अच्छा कोई जगह नहीं देता, मैं बोल रहा हूँ बेसिकली राइट ऑफ वे का कोई कांसेप्ट नहीं है, कोई दूसरे को जगह नहीं देता राइट ऑफ, और ऑफ कोर्स एक तो ये स्पीड, हमारी स्पीड लिमिट का कोई कांसेप्ट नहीं है, कोई बहुत ही हल्के जा रहा है, कोई बहुत तेज जा रहा है, यू टर्न का मसला ये होता है कि हम यू टर्न, जैसे यू टर्न है ना, इसी लेन में रखना है भाई तुम्हें, हमारे यहाँ लोग पता करते हैं वो इधर से यहाँ से आएंगे और ताकि ब्रेक ना लगानी पड़े, उस तरह यूटर्न ऊपर से आ जाऊंगा मैं, मेन रोड पे देख लें सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो है उसमें लोग करते क्या है, यहाँ से आए और यहाँ से उधर ले गए, और या फिर लेन बना लिए एक, और सबसे, और सबसे ज्यादा चीज से मैं तंग होता हूँ कि चले ट्रैफिक पुलिस का काम होता है फ्लो को बेहतर करना, और बुरा कर देती है, सिग्नल फ्री के अंदर एंटर होते वहां से आते, उन्होंने लाइन लगाई होती है, मैं जब भी बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम होता है ना कहीं, तो मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ देख आगे पुलिस वाला खड़ा हो, आगे टुल्ला चला रहा है, हाँ, पुलिस वाला गोल चक्कर, यार आपने टुल्ला बोल दिया, फिर यार असल में मुझे आदत, ये बचपन की आदत है, कनाडा में पुलिस वाले को टुल्ला कहते हैं, देखिए ना इसी मुल्क में मोटरवे पुलिस भी है, हां इसी मुल्क में, लेकिन इसी मुल्क की तरह ट्रिपल है ना,
सही, अभी मैं इस पुलिस की नॉर्मल पुलिस की तनख्वाह ट्रिपल कर दूं तब भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं ये गलत, ये फ्लॉड है ये, नहीं नहीं नहीं, लाहौर के अंदर जब आपकी ट्रैफिक पुलिस है वो कराची से आप कंपेयर करें वो चार गुना महंगी, चार गुना महंगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस सिग्नल में चार वार्डन खड़े हैं वो 1.5 लाख रुपए का सिग्नल है, लेकिन उनकी एफिशिएंसी जीरो है, सिर्फ जोर है एक मेन सड़कों पे शो करने के लिए। मैं हमेशा बात करता हूँ, नया कोई भी सीटीओ है ना, आप कीन चीजें देखना, काले शीशों के खिलाफ मुहिम, गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ मुहिम, सायरन के खिलाफ, क्या इन तीन चीजों का किसी एक्सीडेंट में कोई किरदार है? कभी भी नहीं। ट्रैफिक के बुरे होने में किरदार है? कभी भी नहीं। आपने लोगों को लाइन लेन सिस्टम बताया ही नहीं, आपने स्पीड लिमिट्स इंप्लीमेंट कराई नहीं, आप सिर्फ काले शीशों पे, फैंसी नंबर प्लेट पे, शोभेबाजी पे, फेसबुक पे लगे हुए, असल में आपका मकसद ट्रैफिक को सही करना है ही नहीं। जो आता है वो अपनी तशहीर करेगा, तीन चार जगह जाएगा, भाई आपका काम ग्लोरी लेना नहीं है, उसके लिए मौजूद है। Exactly. मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा, ले मैं लूंगा। सुनील भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कराची में फाइनली जो है वो मशीन रीडेबल प्लेट्स आ गई हैं, लाइसेंस प्लेट्स। वो भजन आ तो गई हैं। हाँ। जब डिलीवर होंगी तो बताइएगा, वही कंपनी है, मैं बता रहा हूं, लगी है। सुने ना, वही कंपनी है जो कि पंजाब में भी दे रही है प्लेटें। हाँ। वही कंपनी को कराची में, उनके पास इतना बैकलॉग है कि वो मिलेंगे। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अभी मैं जैसे मेरी अभी मिल गई आपको ये सोनाटा का, सोनाटा में कराची से करा ली। अरे भाई कैसे यार, एक सिम की कराऊंगा, एक यहाँ की है। क्यों? दिल चाह रहा था कल को बेचने जाएंगे वो, कराची की याद रहेगी। हाय हाय, उसमें अजरक भी बनी हुई, अजरक बनी हुई। अच्छा मैं आपको एक स्टोरी सुना, 2012 में ना मैं 3M में काम करता, ठीक है, 3M उस वक्त पंजाब नंबर प्लेट बनाता था, मशीन रीडेबल नंबर प्लेट बनाता था, पंजाब उस वक्त से इस्तेमाल कर रहा है, उससे पहले से कर रहा है, 2006 से हाँ कर रहा है, ठीक है। और उस अच्छा जो नंबर प्लेट थी ना 3M की, उसमें करेंसी नोट फीचर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, उसको आप उसमें यूं देखें तो ये स्ट्रिप है, तो ये है वो, और वो किसी भी किस्म का कैमरा उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब वाज यूजिंग इट टिल 2010, ठीक है, सॉरी सिंस 2006। हाँ जी। सिंध में जब मेरे पास ये वाला डिवीजन आया तो उन्होंने कहा यार हमें यहाँ पुश करनी है सिंध में भी नंबर प्लेट, ठीक है, आप जाएं जाके सेल करें। सिंध और बलूचिस्तान मेरे पास थे, वेंट देयर। हमारा जो वो था ना बनाने वाला, को सूफी वाले थे जो बलूचिस्तान और हमारे सिंध का बनाते हैं, ठीक है, स्टील की प्लेटें हैं वो, ना मशीन रीडेबल है, ना उनका पेंट सस्टेनेबल है, ना वो पूरी येलो हो जाती है, वो रिफ्लेक्टिव भी नहीं है। हाँ जी, ठीक है, तो वो बनाते थे, ये कॉम्पिटिशन था। अब मैं लेकर गया, भाई जी करेंसी नोट फीचर है, ये है वो है, काउंटर फिट नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, हम आपको मशीन एम्बोजिंग की मशीन देंगे, प्लेटें जर्मनी से होंगी, ये वो, इतना मतलब, तो मतलब वो थे सेक्रेटरी थे, उनका नाम मैं भूल गया, फिर आरएस वरएस भी हो गए, उन्होंने ना मेरे यू फेंकी नंबर प्लेट। अच्छा मैं उनके लिए गिव अवे, आपने कहा फ्रीज भी हो रही है, गिव अवे भी ले गया था उनके नाम वाली, हाँ गिव अवे ले गया था, एक जिसमें 3M की प्रोडक्ट्स होती थोड़ी बहुत, और एक नंबर प्लेट का सैंपल ले गया, और खूबसूरत नंबर प्लेट लेकर गया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि फट करके फेंकी, आप समझे फ्रीज भी खेलने लगे, क्या लगे ये क्या तरीका हुआ, मैंने क्या हो गया सर। अच्छा ये मैं उनके चपरासी से या जो भी उनका असिस्टेंट था टाइम लेकर पहुंचा था, तो उधर ना सब बैठे हुए थे, कोई कंप्यूटर भी नहीं पड़ा था टेबल पे, सिर्फ ऐसी कागज, अखबार, दो लोग चाय पी रहे थे, कह लेंगे आप देख रहे हैं मैं कितना बिजी हूँ, मैंने कहा सर मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, कह लेंगे इस तरह थोड़ी होगा, ये पूरी कंपनी लेकर आए, प्रेजेंटेशन दे, MD को लेकर आए, आपका उठ के आगे, ठीक है, मतलब MD क्या बताएगा सर, मतलब मेरा काम है ये बताना इसकी टेक्निक, नहीं इस तरह नहीं होगा, चले तो बस मैं गिव अवे भी उठा लिया, वो एक और चीज बताता हूँ, 2007 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, हमारे 5 लड़कों ने, उसका नाम था सिग्नोटो नाम था उसका प्रोडक्ट का, स्मार्ट सिग्नल बनाया था हमने, ठीक है, कि लोड सेंसर लगे होंगे रोडों पे, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि होना चाहिए, फ्रांस में है, मुंबई में भी है, हमारे यहाँ नहीं है अभी तक, नहीं है, नहीं नहीं, नहीं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, तो उसके अंदर हमने रोड पे जो था ना वो लोड सेंसर्स थे सिग्नल के पास, और रिफ्लेक्शन सेंसर्स भी लगे हुए थे, ठीक है, जहां पे ज्यादा लोड है वहां पे लंबा चलेगा, कुछ हो सकता है ना, दो ट्रक खड़े हुए, आगे 5 गाड़ियां खड़ी हुई है, तो लोड तो ट्रकों का ज्यादा हो गया, सही है, तो रिफ्लेक्शन सेंसर्स, थैंक यू, रिफ्लेक्शन सेंसर्स लगाए हुए थे ताकि वो देखे क्यू कितनी बड़ी है, सही है, उसके हिसाब से सिग्नल ऑटो होगा, उस पे कैमरा भी लगा हुआ था, VHS उस जमाने की टेक्नोलॉजी कि अगर कोई सिग्नल तोड़ के जा रहा है तो वो कैप्चर करेगा और हाई कमांड सेंटर में भेजेगा, जिस गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है हाई कमांड सेंटर जो होगा ना वो उस गाड़ी को कहीं भी रोक सकता है, रिमोट एरिया देख करके भाई सेफ है, ठीक है, बंद कर सकता है इंजन, सही है, ताकि उसको चेंज ना करना पड़े, ठीक है, अगर वो भाग रहे कोई, ठीक है। सेकंड
एम्बुलेंस वगैरह के लिए पूरी एक वो थी सेटअप, ठीक है, कि अगर वो जा रही है तो सिग्नल किस तरह से उनके लिए ग्रीन होंगे ऑल ओवर अक्रॉस। हम लोग गए, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, हमने पूरा इसका मॉडल बनाया, ये चलता फिरता। तो हम गए तो ये जो लोकल गवर्नमेंट थी उस जमाने में, उनमें किसी साहब ने हमसे बोला कि भाई बेटा अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मगर आप ये बताओ कोई कपड़ा डाल के चला जाए रिफ्लेक्शन सेंटर सेंसर पे, कोई पीक मार दे, क्या कर लोगे आप? इस वजह से नहीं बना आज तक पाकिस्तान में। बट वो आपने खुद बनाया था? हाँ हाँ, आपने खुद बनाया था यार, उसके अंदर उसको कहीं चला के भी देखा था? वीबी के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई थी, पूरा रनिंग मॉडल था 8x8 का। अच्छा, बनाया था हमने। अब तो काफी मॉडर्न सिग्नल्स आ गए, अगर आप डीएचए में देखें तो वो स्टैंडिंग सिग्नल्स आ गए हैं, डिफरेंट आ गए हैं, एलईडीज आ गए हैं। पता नहीं पीजी वाले हैं जो सिग्नल बनाते हैं, पीजीई वाले हैं, वो कंपनी है जो सिग्नल बनाती है पाकिस्तान में। सिग्नल बनाना कोई साइंस नहीं है ना, एलईडी रिमोटली कंट्रोल भी है ना। हां, कि आप उसको रिमोटली चेंज भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। सीमेंस की टेक्नोलॉजी, वीआईपी मूवमेंट है तो बंद करके पैरेलल भी निकाल सकते हैं लोगों को, पहले एम्बुलेंस है तो रोक भी सकते हैं। अच्छा, एम्बुलेंस के बारे में बता दें यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, दुनिया में एम्बुलेंस का ट्रीटमेंट और पाकिस्तान में एम्बुलेंस का ट्रीटमेंट क्या फर्क नजर? अच्छा, इसमें दो जाविये हैं। हाँ जी, एक तो हमारे यहाँ हर एम्बुलेंस में मरीज भी नहीं होता, मिसयूज करते हैं। सही है, ये मिसयूज करते हैं, मैंने खुद कई बार देखे। अमन वमन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये उसकी रीजन बताऊँ क्या, एम्बुलेंस के लिए भी कोई लाइसेंस मजे की बात नहीं है। नहीं, मेरी वालदा के जब ऑपरेशन हुआ था उनके ना टांग का, तो हमने एम्बुलेंस लेनी पड़ी, तो एम्बुलेंस में जब गए तो एम्बुलेंस वाला कभी इधर टक्कर मारे कभी उधर टक्कर मारे, हमारे दोस्त की अब्बा फ्रैक्चर था, जा रहे थे अस्पताल एम्बुलेंस में, वो ड्राइवर ने ऐसी गाड़ी चलाई मार दिया। हमारे साथ भी हुआ, उसने मोटरसाइकिल वाले को मार दिया। फिर अक्सर हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस यूज होती है जनाजे को ले जाने के लिए, डेड बॉडीज की है, उनको आप टायर देखो तो टायर खत्म, कोई रोड वर्दीनेस नहीं है। यार सुनील भाई, क्यों हम एम्बुलेंस की शिकायत कर क्यों रहे? मतलब दुनिया में ऐसा कहीं होता है कि कहीं एक ऐसा शहर हो जिसके अंदर सरकारी एम्बुलेंस हो ही ना? लाहौर में तो है, लाहौर में 1122 है। हाँ। सही है, सिंध में चले जाए एक आपको नहीं जगह मिलेगी जहाँ सरकारी, मैं अगर अभी यहाँ लोग देख रहे होंगे किसी को पता है सरकारी एम्बुलेंस बुलाने का नंबर क्या है? सबको छीपा का 1150 ये पता होगा, है ही नहीं ना। अब आप किसी ऐसी फलाई इदारे से ये एक्सपेक्ट ना करेंगे वो इतना भरा, वो जितना कर रहे हैं वही बहुत है, बॉडियां तो उठा रहे हैं ना। हाँ। अच्छा नहीं, फलाई इदारे वालों की फिर बेहतर है, मैं तो बता रहा हूँ लाहौर में भी और काफी जगह पे भी जो प्राइवेट एम्बुलेंस बनी है ना, सुजुकी एवरी लेते हैं उसके ऊपर लाइटें लगा देते हैं, जो जिसका दिल करे वो प्राइवेट, लेकिन 1122 इज अ वेरी बहुत अच्छी एग्जांपल है, वही मैं कह रहा हूँ उसको रेप्लीकेट करते हैं पूरे मुल्क में यार, होनी चाहिए ये एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस मोबाइल, ये कोई फलाई इदारे थोड़ी देते हैं भाई। दुनिया में आपने कहीं देखा है? अब फलस्तीन तक में तो सरकारी एम्बुलेंस है भाई, हमारे यहाँ तो मतलब एक एयर एम्बुलेंस है वो भी ईदी वाला के पास है, एयर एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पाकिस्तान। और ये अच्छा भाई, जब इतने 80 कैबिनेट हैं, पता नहीं 373 पार्लियामेंट के मेंबर, सबके पास गाड़ी है, सारे वेले हैं ना, नहीं सबके पास गाड़ियां होंगी ना, तो क्या एम्बुलेंस नेटवर्क खड़ा करने के पैसे नहीं सरकार के पास? नहीं, वो उनके अपने पास है भजन, इट्स कहते हैं ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ जो पॉलिसी लोग बना रहे होते हैं ना उनको तो वो फेल ही नहीं होता, वो आम बंदे का प्रॉब्लम नहीं करते, वो सड़कों पे जाके उनको ब्लॉकेज नहीं मिलती, उनके आगे चार डाले पीछे चार डाले होते हैं, उन्हें क्या मसला, उन्हें क्या पता लगता है कहाँ रश है कहाँ नहीं, तो उनको आम बंदे की प्रॉब्लम समझ भी नहीं आ सकती, ये तो लेकिन ये अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लोग कहते हैं जी ये वाला इदारा ये नहीं करने देता, वो वाला इदारा, ये जो बेसिक काम है भाई, एम्बुलेंस बनाना, ये अस्पताल सही कर देना, इसमें तो कोई रोकेगा ही नहीं। सर वैसे मैं कह रहा हूँ ये तो झूठ है ना, देखे 1122 इसी मुल्क में बनी, एग्जैक्टली, ट्रैफिक पुलिस रीवैंप इसी मुल्क में हुई है, मोटरवे पुलिस भी इसी मुल्क में बनी है, तो ये सारी स्टोरी है कि नहीं कर सकते, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, लेकिन हमने लोगों को बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग कहेंगे कर दिया। नहीं नहीं, हमने अच्छी मोटरवे की तारीफ नहीं की, हमने 1122 की तारीफ नहीं की, जो चीज अच्छी है वो तो अच्छी है यार, बाकी चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश। तुम क्या कह रहे हो सुलभ? मुझे लगता है अब जो टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें हो रही है ना, उसमें लगता है हम जो कितने भाषण दे रहे हैं, मैं और आपका चांस है, टेक्नोक्रेट हुकूमत में हम आए ना, मुझे कभी कभी लगता है मैं सियासतदान बन जाऊंगा। हाँ, पता नहीं क्यों लगता है, जब मैं लोगों को क्रिटिसाइज करता हूं लोग नहीं कहते, मैं कहता हूं नहीं यार, मेरा तो इरादा है तो मैं आऊंगा, तो आपको जाहिर बात है आना पड़ेगा। हमारी पार्टी का नाम क्या होगा? LHS LHS यार FX उठा लूं, एक ढांचा आप बनाएंगे, मैंने कब से कहा था करें, अच्छी बनाऊंगा, लेकिन यार आपने मेरी तरफ तब देखी है कि पूरा अच्छी बनाऊंगा, अच्छी बनाता हूँ, अच्छी बनाऊंगा, मतलब ये कि इंजन वंजन एफएक्स का नहीं डालूंगा सर, 660 सीसी का इंजन डालेंगे, गियर डालेंगे, एसी चलाएंगे, टेंशन क्यों लेते हैं, बेहतरीन बेहतरीन, ले लूं फिर गाड़ी लेके ढूंढता हूं मैं, इस्लामाबाद से लाऊंगा, इस्लामाबाद पिंडी से मिलेगी, हां वहीं से लाऊंगा, एफएक्स बना के क्लासिक खड़ी करेंगे फिर सर, बनाए चलाएंगे उसको यार, चला करेगी और बेहतरीन चला करेगी, ढूंढे गाड़ी कैसे ढूंढनी, मैंने ढूंढी आपने ढूंढी है, दोनों ढूंढते, मैं इस्लामाबाद में अपने दोस्त को कह देता हूँ, वो अगर मिल जाएगी तो लेके मिल जाएगी, बिल्डिंग कर देगा मुझे, बेस्ट काम तो ये कि अगर कोई टैक्सी चल रही है ना तो मेंटेन भी होगी, वो लेके उसको बंदा करा ले, हां हां, मैं इंजन तो वैसे ही हमने निकलवाना है, 4 लाख चली, मैं किसी की ड्यूटी लगाऊं, कोई डजंट मैटर,
ये हमारे यहाँ पे लोगों को वैसे ही पता नहीं, फोबिया है कि लाख चल गई तो गाड़ी गिर जाएगी, कुछ नहीं होता। ये गाड़ी जिसपे हम जा रहे हैं आपके ख्याल से कितना चली होगी, चलो ये भी बता दो, अभी नहीं नजर आएगा, मैं करूंगा। ये चली होगी 1.65 किलोमीटर में। हाँ यार अभी देखते हैं, 1,00,000 इन्फॉर्मेशन कहाँ से एग्जैक्ट पहुंची है ना, इधर 1,03,000 मील है, मतलब 1,60,000 किलोमीटर देख पहुंची। हाँ। और आप जब से चले हैं अब वल्ला अपने उससे बताने, कहीं आपको कोई चू चा 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 कोई कंफर्ट डिसकंफर्ट हुआ? इसकी चूचा कोई नहीं, इसने सिर्फ खड़े होना यार। मनुष ये मनुष आदमी जो साथ बैठा है ना, इसके बाद पता कौन सी गाड़ी है ये, बहुत बोल रहा है, सुजुकी खटारा और अभी ये गोल्डन ऑरेंज रंग की एक लेजेंडर, ठीक है, वो खड़ी नहीं होती, बस वो चलती नहीं है, उनपे अगर आप जाएंगे तो आप जब पहुंचेंगे तो आपकी कमर में दर्द होगी। इसमें सोफे पे बैठा हुआ जा रहा है, बातें कर रहा है, कोई थकन का एहसास नहीं, कोई थकन का एहसास नहीं है, हर तरफ से हवाएं आ रही है इसको, इसी इसमें के बटन होता है ना मसाज का भी। नहीं इसमें मसाज सीट नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन होती है इसमें नहीं है। हमारी गाड़ी में सॉफ्ट क्लोज डोर के बाद उन्होंने कहा बस बहुत है, उससे ज्यादा नहीं ऑप्शन, इनको ऐसी गाड़ी चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ ऑप्शन ये है कि चल जाए। ये तुम्हारी गाड़ी में क्या ऑप्शन है? नो ऑप्शन उसमें है सर, एक तो उसमें टैंक फुल ऑप्शन है, अच्छा हर वक्त होती है, दूसरा वो अच्छा टैंक फुल में बताता हूँ कैसी होती है, कभी खाना जाने जाना ना दफ्तर से नीचे उतरेंगे, यार मेरी चाबी को आज की तू गड्डी काट, ऐसा पक्का शेख है, ऐसा पक्का शेख, इसके घर खाने पे जाना होगा, कहेगा मैं राती तेरे घर ही वापस आना तो अपनी गड्डी काट। ओ भाई ये क्या बात है, तुम्हारे घर खाने पे जा रहे हो, तुम ले जाओ भाई, मर जाएगा। आप इसे कहे मुझे अपने घर से लिबर्टी उतार दे, मैं उबर बुला देना, मैं ड्राइवर बुला देना, मैं मोटरसाइकिल बुला देना, भाई ये शेख है तो इनकी तो फुली रहनी है, इनकी फुली रहती है भाई। सर हमारी गाड़ी में एक ऑप्शन है कि आप कश्मीर ले जाए, आप जर्मनी चले जाए। अच्छा लेकिन आपको भी गए नहीं जर्मनी क्यों? ऑन पेपर्स भाई, ऑन पेपर्स। अच्छा जितना ट्रैवल मैं करता हूँ सड़क पे, सही बात, कोई नहीं कर सकता। इस हफ्ते में मैं चोलिस्तान गया, वापस आया अपनी गाड़ी पे गया, कोई खराब नहीं हुई, फिर मैं अपनी ही गाड़ी पे गया, एक मिनट नई गाड़ियां बातें ना सरो, सारी पुरानी थी। मेरी लैंड क्रूजर भी 11 साल पुरानी है, नई वाली, पुरानी वाली उससे भी पुरानी है। और बताओ, मैं 2005 का रैली में वीगो भगा के 400 किलोमीटर की रैली करके उसी वीगो पे वापस भी आए हूँ। वाह। सो ये था एक ट्रैवल व्लॉग जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि हम गुड्डू भाई की इन्फॉर्मेशन के जो मोती हैं वो हम दोनों सीखें और हमें हासिल हो के इन्फॉर्मेशन कैसे करते हैं, पानी से पैसा कैसे बनाते हैं। और ये एक ट्रैवल व्लॉग था, RHS की शादी पे LHS जा रहे हैं और बड़ा मजा आया हमें, हमने इंजॉय किया। मेरा ख्याल है ताबिश भाई जो है दूसरी या तीसरी दफा फैसलाबाद आए हैं, लेकिन ये आपको खुद बता सकते हैं कि ऐसा सफर जो इनको पता नहीं लगा सफर कैसे गुजरा, कभी गुजरा। मुलाकात अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। करिए ना, अल्लाह हाफिज़।